सत श्री अकाल, की हाल चाल सारे दे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सुप्रीम वीर। आ गए हैं आज एक और एक नया व्लॉग लेके आप सबके लिए। पहली तो बात ये है कि माफ़ी चाहते हैं, इतने टाइम से गायब थे, कुछ काम के चक्रों में बिजी रह गए, तो आज फाइनली आपके लिए हम टाइम निकल के आए हैं। अपना भी पेट पूजा करते हैं, कुछ आपका भी पेट पूजा करके जाएंगे। कुछ जानी पहचानी जगह फिर से आए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग चीज़ दिखाने लेके आए हैं। इस बार हम लेमन ट्री ही आए हैं, लेकिन इनका सैटरडे एंड संडे को बफे लगता है, जो कि हम अपने व्लॉग्स में अभी तक कवर नहीं किए थे। तो सोचा कि आज सैटरडे है, हम आए थे, तो सोचा कि आज कवर कर ही लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ का लेमन ट्री का वीकेंड बफे वर्थ इट है या नहीं। तो अगर आपको देखना चाहते हैं कि हमारा क्या रिव्यू है, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आशा करता हूँ सारे इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में अच्छे ही होंगे। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में।
हम लोग का बफे स्टार्ट हो चुका है। बफे में मैंने लिया स्टार्टर में ये अपना चिकन और हरा भरा टिक्का, और ये है अमृतसरी फिश फ्राई, और ये मेरा चिकन मोंचो सूप। ये अपना चिकन मोंचो सूप है, देख सकते हैं आप। देखते जाइए यार, हम लोग खाते जा रहे हैं। यार लेमन ट्री के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इनका जो फूड की क्वालिटी जो अलाकार्ट में है ना, वैसी ही सेम इनकी बफे में रहती है। तो ये सबसे बड़ी बात है बफे में, नहीं तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में बफे में टेस्ट और रहता, और जो अपना अलाकार्ट में टेस्ट बहुत डिफर करता है। अभी आपको ये चिकन खा के दिखाता हूँ कैसा है। आप कोई भी अपना तंदूरी चिकन या चिकन टिक्का या अफगानी चिकन खाएंगे, अगर ये चिकन फ्रेश नहीं होगा ना, ज़्यादा दिन का फ्रीजिंग होगा, अंदर से रेड होगा ज़्यादा, और थोड़ा मरूनिश सा होगा, और चिकन एक स्मेल करेगा हल्का सा, शायद अगर आप लोग को मालूम हो, मैं तो फील कर लेता हूँ, आप लोग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं नहीं बोलता कि अभी भी काट के लाया होगा, ये भी अपना फ्रीजिंग ही होगा, बट एक या दो दिन, दस दस दिन का नहीं है। ये चीज़ लेमन ट्री के बारे में मुझे पसंद है, इसलिए बार बार। भाई बारी मेरी वेज आपको दिखाने की, नॉन वेज तो आप देख लिए, लोग ज़्यादातर नॉन वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बाकी बचे पूछे जो लोग मेरे जैसे जो लोग वेज में इंटरेस्ट रखते होंगे, आपको वेज का ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पे मैं दो स्टार्टर्स लाया हूँ इनके, एक वेज शमी कबाब है इनका और वेज कटलेट है। दोनों ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं स्टार्टर्स के लिए, मतलब एक स्टार्टर ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा है ये। तो स्टार्टर में जनरली बफे में ऐसे ऑप्शन नहीं दे के कुछ देसी से ऑप्शन दे देते हैं बस नाम के स्टार्टर, ये सिग्नेचर स्टार्टर्स हैं, अच्छे स्टार्टर्स हैं, एक वेज ऑप्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो हम दिखाता हूँ आपको, पहले वेज कटलेट से शुरू करते हैं। ये देखिए स्टफिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, ऑयली नहीं है, नहीं तो एक एक कटलेट होता है ना, छूते ही उंगली पूरे तेल तेल में, जैसे ना बस तेल से निकाल डुबा के निकाले उंगली, ऐसा हो जाता है। इसमें तेल नहीं है। ये मिंट सॉस लिया हूँ, थोड़ा सा मिंट सॉस में लगाते हैं, लग गया, क्रिस्प है, क्रिस्प इसका जो क्रिस्प है ना, क्रिस्पनेस जो है ना, बता देता है फ्रेश है, नहीं तो जो थोड़े स्टेल होंगे उसमें क्रिस्पनेस रहता नहीं है। बारी अभी शमी, वेज शमी कबाब। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नॉन ऑयली, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि भाई बता रहे थे, हम लोग इसको इनकी ये दोनों आइटम्स ना, हम लोग यहाँ पे आके अलाकार्ट भी ट्राई कर चुके हैं। अलाकार्ट में जो टेस्ट है सेम टेस्ट बफे में मिल रहा है, नथिंग डिफरेंट, मतलब डिफर कर ही नहीं रहा, बहुत अच्छा बढ़िया। मैं अपना मेन कोर्स लेके आ चुका हूँ, ये है देखिए, ये है अपना प्रॉन मसाला, ये है अपना प्रॉन मसाला, देखिए कैसे रेड ग्रेवी में कूड है। ये देखिए प्रॉन, ये अपना गिर गई, और ये मेरा आ गया रायता, मैंने लिया रायता भी है, और ये मैंने थोड़े से नूडल्स लिए हैं, ये कॉर्न पालक है, दाल राइस थोड़ा सा लिया, और ये है मेरा चिकन होम स्टाइल करी, लाल मांस भी है, मतलब मटन रोगन जोश भी है, आप अपना ले सकते हैं, मैं मटन नहीं खाता। तो साथ में मैं अपना लच्छा परौंठा लिया हूँ, आप भी अपना कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, लच्छा परौंठा हो, जो भी इनके पास अपना ब्रेड्स हैं उनमें से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको अपना फ्रेशली गर्म गर्म ला के देंगे। तो मैं तो इतना ही लाया हूँ, बाकी सैलड्स भी हैं, एग सैलड, फ्रूट सैलड, और अपना स्प्राउट सैलड, तो और एक अपना फिश सैलड भी है, तो वो तो मैं इतना खाता नहीं, और अपना ग्रीन सैलड्स भी दो तीन तरह के हैं, आप अपना देख सकते हैं। इनके अपना बफे में बहुत रीज़नेबल प्राइस में, इन भुवनेश्वर में बोल सकता हूँ, आइटम्स बहुत ज़्यादा और टेस्टी
एंड हाइजीनिक होती हैं, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी आपको ये एक दाल राइस थोड़े टेस्ट करके बनाते हैं, कैसे हैं? ये थे मेरे वेजिटेबल पुलाव। वैसे तो दाल चावल हाथ से खाने का मज़ा है, बट खा नहीं पाऊँगा। ये है देखिए प्रॉन, प्रॉन है जी, आप देख सकते हैं कैसे टूट रही है, देखिए आराम से, देखिए प्रॉन है। मुंह में जाके हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं है, और टेस्टी जिसकी जो ग्रेवी है इतनी टेस्टी है, आप लोग खाएंगे तो आपको पता लगेगा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। ये है मेरा चिकन होम स्टाइल, इसमें आलू डाल के, जो अपने उड़ीसा में काफ़ी फेमस है डिश, उड़ीसा का जिसको बोलते हैं चिकन कोसा, आधे आलू भी पौड़े, तो ऐसे है आइटम आपको। ये मैंने कहते चिकन होम स्टाइल आओ, ये होम स्टाइल ही है खाने में पूरा, जैसे घर में बना होता है चिकन ग्रेवी वैसा ही है बिल्कुल। तो ये अपना मेरा मिक्स रायता है, दही भल्ला भी है, और एक अपना कर्ड राइस भी है, आप अपना कुछ भी ले सकते हैं। ये भी कर्ड आइटम तो इनका नॉर्मल उसमें ना फ्रेश कर्ड में ही करते हैं, बाकी हम लोग भी खाना इंजॉय करेंगे, आप लोग भी खाइए। आ गया हमारा मेन कोर्स, वेज में आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे हम नूडल्स लिए हैं, वेज हाका नूडल्स, यहाँ पर लिए हैं, ये मिक्स वेज है यहाँ पे, और ये रहा आलू गोभी। आलू गोभी तो घर पे भी खाते हैं, और यहाँ पर भी लिए हैं। डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना आपको खा के, कि घर का बनाया आलू गोभी और लेमन ट्री का बनाया आलू गोभी में क्या फ़र्क आता है। और ये रहा यहाँ पे पुलाव, पुलाव के साथ दाल, यहाँ पे सैलेड, थोड़ा सा जिम कॉन्शियस है बोल के याद आ जाता है बीच बीच में याद आ जाता है करके हम ले लेते हैं ऐसे ऐसे आइटम में। दही भल्ला सरदार पंजाबी डिश जो हमसे रिलेट होती है, नॉर्थ इंडियन दही भल्ला, ये सब तो आपको मैंने बता दिया। अभी आपको लग रहा होगा कुछ मिसिंग, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, चिंता मत करिए, अलग से रखा हूँ अलग से, वो तो पेट भर के खाएंगे। ये रहा पनीर बटर मसाला, ये तो अलग से लेना पड़ता है, ये सारी डिश अलग है, इसके लिए मेरा प्यार अलग है, ये अलग से आपको दिखाते हैं खा के। शुरू करते हैं, दाल राइस तो भाई आपको बताए थे, फिर भी दाल गाढ़ा है, चावल के साथ जम के बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, पतला दाल नहीं है, गाढ़ा दाल है। नूडल्स अच्छे हैं, नाइस। एक आइटम को बताना भूल गया, लच्छा पराठा मंगाया हूँ यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन पनीर और इसका अलग ही कॉम्बो है, इसको पनीर के साथ खा के दिखाता हूँ आपको। ले गया पनीर में, भर देते हैं ग्रेवी के साथ, बिल भर गई ग्रेवी, भरी बाइट है। ओह टेस्ट, बाकी दो आइटम खाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना टेस्टी है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ खा के। गोभी थोड़ा सा खाते हैं, गोभी अच्छा है, भुनमा सा बनाया है, फ्राई किया हुआ, घर में ना थोड़ा बॉईल किया हुआ बनता है नॉर्मली, ऐसा सबके घर में बनता ही है, फ्राइड है, थोड़ा सा टच बहुत ही अच्छा लग रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद भाई आपको और दिखाने वाले हैं, दही भल्ला, मैं खाता हूँ। इसलिए तो लेमन ट्री आते हैं, ये कहीं ना कहीं पंजाब का याद दिला ही देता है, एक ना एक डिश का ऐसा निकलता है सीधा उड़ीसा से पंजाब ले जाता है, उड़ीसा डिश भी है पंजाब का डिश भी है, कॉम्बो अपना तो दिन बन गया। ये ले आया हूँ मैं अपना स्वीट डिश,
देख सकते हैं आप, मैं सारा तो खाऊंगा नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं मड बॉल, चॉकलेट मड बॉल। ये है एप्पल क्रम्बल, ये है चॉकलेट बर्फी, ये है पेस्ट्री स्ट्रॉबेरी, ये है स्ट्रॉबेरी संदेश, और अकुमट के उड़िया रे कोई भी। इटा होची बेग्ड रसगुल्ला, उड़ीसा रो फेमस आइटम, प्राय जोगारे हुए। इटा होची बेग्ड रसगुल्ला कोरी कोरी चंदी इन राबड़ी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, ये जो हमने एप्पल स्क्रम्बल कभी खाया नहीं, खाकर देखता हूँ। इसके ऊपर ये शुगर डाली हुई है पाउडर। जैसे आटा और मैदा और एप्पल को, एप्पल का जूस को क्रश करके मिक्स करके उसका केक टाइप बनाया हुआ है एप्पल स्क्रम्बल। ये है चॉकलेट बर्फी। खोया चॉकलेट फ्लेवर और कुछ नहीं। स्ट्रॉबेरी संदेश, स्ट्रॉबेरी का स्मेल और संदेश और कुछ नहीं। हाँ ये है चॉकलेट बॉल। इसको देखते हो अपना गिर गया, इसको देखते हैं क्या बोलती है। बोल सकते हैं जैसे ब्राउनी को मेल्ट नहीं कर देते, वैसी है सिर्फ, बस बहुत टेस्टी है। और ये है हमारी पेस्ट्री, अभी ठीक है। ये मुझे सो लगी, ये भी आइटम ओनली फॉर डेकोरेशन ही बोल सकते, प्लेटिंग। बट ये और ये भी अच्छा आ गए पेट पूजा करके। तो भाई आपको पहले रिव्यू बताएंगे ये कैसा रहा। बात ऐसे है, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे लेमन ट्री बार बार जा रहे हैं, तो हम लोग आपको लेमन ट्री की छोटी सी छोटी चीज़ या डिश या बोल सकते हैं बफे, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि दिखाया जाए। ये जो मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में क्या है, जो बफे होता है उसका जो टेस्ट होता है फूड का, वो अपना अला कार्ट से काफ़ी डिफरेंट रखते हैं। जैसे अला कार्ट में आप मंगाएंगे, देखिए मंगा के देखिएगा, ये आप लोग अपना ट्राई कीजिएगा, उसमें डिफरेंट होगा। जब आप अपना बफे में मंगाएंगे डिफरेंट होगा, जब उसको खाएंगे सेम आइटम को। बट एक लेमन ट्री में मैं देखा हूँ भुवनेश्वर में प्रॉपर्टी है जिसका अला कार्ट एंड बफे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुछ आइटम्स आज ऐसी थी जो बफे में भी हम लोग खा चुके हैं और अला कार्ट में भी खाए हैं और अपना काफ़ी दफ़ा खाए हैं, एक ही हम सिंगल टेस्ट। ऐसे नहीं कि बफे में है तो टेस्ट या क्वालिटी थोड़ा डाउन कर दो, या अला कार्ट में है तो थोड़ा क्वालिटी बेटर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका जो प्राइजेज मेरे अपना हिसाब से जितनी आइटम्स हैं अदर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ये लोग जो बफे में आइटम्स रखते हैं ना एक्चुअली खाने लायक रखते हैं। कुछ बफे वाले आइटम रखते हैं कि फेंको, देखो और अपना कस्टमर दौड़ जाए कि वो ये आइटम मैं नहीं खाऊँगा, तो ये लोग रखते हैं खाएँ। हम लोग का अगर कस्टमर आ रहा है वो अपना पेट पूजा करके जाए, अगर वो पैसे दे रहे हैं ना तो खा कर जाए। तो इन लोग की जो प्राइस है बफे की वो है 1350 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, जो कि काफ़ी ही मतलब अदर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें 3 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है। आप लोग अदर प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी हाई होगा। और अगर किसी का लो भी होगा उसका इतना जो क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा नहीं होगा। बाकी आपको भाई बताएंगे अभी, बाकी वही है जैसा भाई जो भी रिव्यू बताए हैं, मैं टोटली सहमत हूँ उस चीज़ से। अगर मैं अपना आज का सम अप करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स प्रोवाइडिंग बफे एट दिस प्राइस। अगर मैं बेस्ट बोल दूंगा तो आप लोग बोलेंगे खाली एलिमेंट्री का तारीफ करता रहता है, तो मैं बायस्ड नहीं दिखाने के लिए अपने आप को, मेरी इच्छा है बोलने के लिए बेस्ट, लेकिन बायस्ड नहीं दिखाने के लिए हाँ डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट तो ये डेफिनेटली है ही है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ एक वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक शांत सुकून भरी जगह चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, एलिमेंट्री इज़ द प्लेस अकॉर्डिंग टू अस। बाकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस सबका अलग होता है।
आप आइए, विज़िट करिए और देखिए आके कि, और हमें आके यहाँ पे खा के अगर जब जाते हैं ना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुप्रीम वीर आपका रिव्यू सही था या आपका रिव्यू पूरा गलत था, आप बेवकूफ़ बना रहे हो या आप सही रिव्यू दे रहे हो। तो आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है। हमारा रिव्यू पढ़ के या सुन के आप आइए, अपना रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी मिलते हैं फिर और एक नया व्लॉग लेके। इस बारी ज़्यादा गैप हम नहीं डालने वाले, कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स लाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, छोटे छोटे मोटे व्लॉग्स कुछ भी हो, जैसा भी हो, कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग सुप्रीम वीर चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पैसे नहीं लगते, करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।